2024 के चुनाव से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, महाराष्ट्र एनडीए में सीटों के बंटवारे पर घमासान इस वक्त भी जारी है। एकनाथ शिंदे कैंप का दावा यह है कि वो 2019 में मिली 22 सीटों की दावेदारी कर रहे हैं, यानी 22 सीटें उन्हें चाहिए। शिंदे कैंप का कहना है कि 2019 में शिवसेना को 22 सीट मिली थी और इस समय भी शिवसेना और संबल हमारे पास ही है, हमें 22 सीट मिले। वहीं दूसरी ओर अमरावती सीट पर शिंदे कैंप और बीजेपी आमने सामने है। बीजेपी नवनीत राणा को टिकट देना चाहती है, पर शिंदे कैंप अमरावती के लिए अपने नेता को टिकट देने की मांग कर रहे हैं। शिंदे कैंप और बीजेपी में सीट को लेकर चल रहे मामले में अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बीजेपी के नेताओं के साथ आज शाहबाजी नगर में मीटिंग करने वाले हैं। अमित शाह की मीटिंग के बाद साफ होगा कि बीजेपी महाराष्ट्र में शिंदे कैंप के साथ कितनी सीट देने पर सहमत हो रही है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, यानी महाराष्ट्र 48 सीटें पेंच फंस चुका है, 22 सीटों पर दावेदारी शिंदे खेमा का। वो शिंदे खेमा जो बीच में ही दो पार्ट हो जाता है 2019 के बाद, और एक तरफ उद्धव ठाकरे गैंग और एक तरफ कौन सा गुट है, वो है शिंदे गुट। अब शिंदे गुट कह रहा है कि हमें 22 सीटें चाहिए। एक बात सुनिश्चित है कि कौन कितनी सीटें लड़ेगा, कहां से लड़ेगा, शिवसेना दल को कितनी, अन्य दलों को कितनी, यह सारी बातें हमारे वरिष्ठ नेता तय करेंगे। पर हम सबके दिल में एक ही संकल्प है, फिर से एक बार मोदी सरकार और अब की बार 400 पार। कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पेच फंसना स्वाभाविक है, और वो इसीलिए उन राज्यों को लेकर अभी तक फैसला नहीं हुआ है, जिसमें बिहार भी है, वहां भी जेडीयू की दावेदारी, एलजेपी की दावेदारी, और इसके अलावा अगर महाराष्ट्र की बात करें तो अब शिंदे गुट का दावा ये है कि हमारे पास जो 22 सीटें थी, हमें 22 सीट इसलिए चाहिए क्योंकि हमारे पास ही सिंबल है पार्टी का। इस वक्त हमारे सहयोगी कुछ ही देर में जुड़ेंगे मेरे साथ, विवेक गुप्ता, फिर हम आपको ये पूरा महाराष्ट्र का जो समीकरण है और बीजेपी कहां मान सकती है, कहां पे सीटें दे सकती है, उस पे हम बात करेंगे। विवेक गुप्ता इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके। विवेक, सीटों के लिहाज से उत्तर प्रदेश के बाद दूसरा नंबर आता है, 48 सीटों के लिहाज से महाराष्ट्र का, लेकिन उस महाराष्ट्र में बीजेपी के सामने एक चुनौती सामने आ गई है, 22 सीटें शिंदे गुट को चाहिए। लेकिन क्या ये आपको मौजूदा हालात में और बीजेपी की सियासी ताकत देखते हुए लगता है कि संभव है? देखिए, इस पूरे मामले में अब जो है वो शिंदे कैंप जो है 22 सीटों की मांग कर रहा है, क्योंकि उनका साफ तौर पर कहना है कि 2019 में जितनी सीटें शिवसेना को मिली थी उतनी ही सीटें वो इस बार भी मांग रहे हैं। क्योंकि शिंदे कैंप के नेताओं का दावा है कि 2019 में जब शिवसेना थी वही शिवसेना वही सिंबल 2024 में भी है, इसलिए उनके जो 22 सीटें मिली थी 22 सीटों पर ही वो चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, उतनी सीटें मांग रहे हैं। इस समय हमारे साथ संजय सरसाठ भी, उनसे पुजैन में उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो शिंदे गुट की जो मांग है उनका साफ तौर पर कहना है कि उनकी मांग बिल्कुल सही है, और क्योंकि जो शिवसेना एक बड़ी पार्टी है और जो भी इलेक्शन कमीशन या फिर महाराष्ट्र जो स्पीकर हैं विधानसभा के, उन्होंने भी साफ तौर पर कह दिया है कि शिवसेना सिंबल और शिवसेना पार्टी एकनाथ शिंदे की है। उसके बाद ही अब इस पूरे मामले में शिंदे कैंप दावा कर रहा है कि 22 सीटें उन्हें चाहिए। कुल आपको बता जाए, कुल महाराष्ट्र में 48 सीटें हैं, उनमें से 22 सीटें 2019 में लड़ी थी और शिवसेना ने 22 में से 18 सीटें जीती भी थी। इसके बाद ही अब शिवसेना कैंप ये दावा कर रहा है कि जो नंबर 2019 में थे वही नंबर इस बार फिर से होने चाहिए, इसलिए 22 सीटों की मांग भी कर रहे हैं। संजय सिरसाठ से बात करने की कोशिश करेंगे, लगातार उनसे हम कोशिश कर रहे हैं बात करने के लिए, क्योंकि वही जैसा खुल के बता पाएंगे कि कितनी सीटें वो मांग कर रहे हैं, कितनी कितनी सीटों पे लड़ेंगे। लेकिन जहां तक लेकिन सवाल जो शिवसेना कैंप से दबा है वो सीटें मांग रहे हैं। एक सवाल मैं ऐड करना चाहूंगी, अगर नेताजी आपके साथ हैं तो, कि क्या आज अमित शाह पहुंच रहे हैं संभाजी नगर में, एक मीटिंग होने वाली है, इस मीटिंग से सारी जो शर्तें हैं वो मान ली जानी है या जो पेंच फंसा है वो खत्म हो जाना है, सीट समझौता हो पाएगा? देखिए, अमित शाह का आज महाराष्ट्र का दौरा है, वो फिलहाल संभाजी नगर में मौजूद हैं और कोशिश की जा रही है कि जो भी सीटों को लेकर जो मतभेद चल रहा है उसे किसी तरह क्लियर किया जाए, क्योंकि शिंदे कैंप इतनी सीटें मांग रहे हैं उसको लेकर क्लैरिफिकेशन जरूरी है। और संजय सिरसाठ से बात करने की बहुत कोशिश करेंगे कि वो दूसरे इंटरव्यू में बिजी हैं, इसलिए उनसे हम वो पूछेंगे कि क्या उनकी जो मांग है वो किस हद तक सही है। लेकिन अमित शाह आज संभाजी नगर में, और कोशिश की जा रही है कि जो भी सीटों को लेकर जो मतभेद चल रहे हैं शिंदे कैंप और बीजेपी में, उन
सीटों का सॉल्यूशन जल्द से जल्द निकाला जा सके, क्योंकि बीजेपी ने पहले ही 195 सीटों की है। इस समय संजय सिरसठ हमारे साथ हैं, सर से जानने की कोशिश करेंगे। सर, आप लोगों ने मांग की है कि 2019 में जितनी सीटें मिली थी उतनी सीटें 2024 मिलनी चाहिए, यानी कि 22। हाँ, 22 सीटें मिलनी चाहिए, क्योंकि क्या अतराज है उसमें। अरे, शिवसेना ने 22 सीट लड़ी तो 22 सीट मिलना ही चाहिए, और वो अगर लड़ेंगे तो जितना हम ज्यादा चुन के लाने की कोशिश करेंगे वो तो होना ही है ना। आज का जो माहौल है, आज शिंदे साहब ये महाराष्ट्र में एक गद्दावर नेता बल्कि आज उभरे हैं और लोग उनके पीछे। हम चाहते हैं कि मोदी साहब पंतप्रधान बनने के लिए यहाँ हमने भी पूरा जोर लगा के, भाई हम में से किसी को तो कुछ बनना नहीं, हमको सपोर्ट करना है मोदी साहब को पंतप्रधान बनाने में। तो इसलिए हम भी हमारे पूरे ताकत के साथ हमारे सीट चुन के लाना चाहते हैं, इसलिए 22 सीट की मांग की है। लेकिन आपको लगता है कि बीजेपी 22 सीटें देगी, क्योंकि बीजेपी कहना है कि ज्यादा सीटें बोलने की कोशिश कर रहे हैं, और 22 सीटें की उम्मीद है कि 22 सीटें मिलेंगी आप लोग को? देखो, हर कोई पार्टी इलेक्शन के वक्त में अपना पार्टी का वजूद बढ़ाने के लिए सीटों की मांग करते रहता है, वो चाहे बीजेपी रहो, चाहे राष्ट्रवादी रहो, चाहे शिवसेना रहो, और कोई भी पार्टी रहो, अन्य कोई भी पार्टी, हर एक को लगता है कि अपनी सीट ज्यादा लड़नी चाहिए। लेकिन लड़ते वक्त चुन के कितने आएंगे इसके ऊपर फोकस करना जरूरी है। हम वो नहीं कर रहे, हम जितने सीट लड़ेंगे वो चुन के लाएंगे, ये हमारी धारणा है। भाजपा की वही धारणा है, राष्ट्रवादी की वही धारणा है। इसलिए पार्टी के कार्यकर्ता बहुत सारे रहते हैं, हर एक को लगता है हमारे मतदर्शन से अपना ये सीट अपने को छूटना चाहिए, वो सीट अपने को छूटना चाहिए, यहाँ तो अपनी ताकत है, वहाँ अपनी ताकत है, और ये सब इलेक्शन के माहौल में बनते जाते हैं, ये माहौल बनते जाता है। लेकिन फाइनली डिसीजन जो होता है वो वरिष्ठ नेता लेते हैं। जब वरिष्ठ नेता अच्छा निर्णय लेते हैं तो उसका विरोध कोई नहीं करता। सर, लेकिन अगर 22 सीटें नहीं मिलती हैं, अगर आपको 22 सीटें से कम मिलती है, 18 या 19 या 15 पटके, तो क्या रहेगा आप लोगों का डिसीजन? नहीं, इसका डिसीजन लेने का पूरा पावर एकनाथ शिंदे साहब को है। ओके, हम उसके ऊपर कॉमेंट्स ही नहीं कर सकते। आज कितनी मिलने वाली है हमको नहीं पता, किसके ऊपर बात शिंदे साहब करेंगे वो हमको नहीं पता। शिंदे साहब जो भी फाइनल करेंगे वो हमको एक्सेप्ट रहेगा, इतना ही मैं कहूंगा। अभी फिलहाल 22 सीट की मांग कर रहे हैं, 22 सीट की तो हमारी मांग है। लेकिन सर, अमरावती सीट को लेकर काफी ज्यादा पेच फंसा हुआ है। अमरावती सीट पर नवनीत तानन निर्दलीय थी, जीती, बीजेपी को सपोर्ट की। आपकी तरफ से आपके नेता आनंद अरसुल बोल रहे कि हर हाल में शिवसेना अमरावती से लड़ेगी। देखो, एक आधा दो सीट पे ऐसी बहस या तो वो चर्चा में आती रहती, क्या बारामती नहीं आ रही चर्चा में? आ रही है। तो अमरावती के ऊपर जैसे फोकस करते वैसे बारामती पे फोकस होता है, इसलिए चलता है। इलेक्शन में ऐसी एक दो सीट ऐसी होती है जहां आखिर क्षण तक खिंचमतानी होती है, लेकिन जब पार्टी के वरिष्ठ नेता उनको समझाते हैं तो जो भी रहेगा वो अमरावती के बारे में भी जो भी रहेगा, जो भी फैसला होगा, वो भले नवनीत राणा रहो या अड़सुल रहो, ये दोनों नेता में से किसी को ना किसी को मानना पड़ेगा। सर, अजीत दादा भी क्लेम करे कि वो मराठवाड़ा किसी जगह मुझे उनको भी ज्यादा सीटें मिल रही है। महा जो युति है उसमें कुछ तो सीटों को लेकर अनबन चल रही है तीनों पार्टियों में। अनबन नहीं बोलते इसको, हर कोई पार्टी का नेता ये चाहता है कि अपन ज्यादा, जब सीट ज्यादा विधायक रहो या सांसद रहो, जब ज्यादा पैमाने पे चुन के आता है उनका एक अधिकार बन जाता है, उनको लगता है कि अपना थोड़ा पावर बढ़ गया। अरे, पावर बढ़ाने का टाइम ये इलेक्शन होता है, तो इलेक्शन में अगर पावर बढ़ाने के लिए कोई अगर मांग करता है तो उसको गलत कैसा बोल सकते हैं। लेकिन आपको लगता है कि बीजेपी आप लोग की मांग मानेगी, नवनीत राणा को छोड़कर अमरावती की सीट हुई या फिर दूसरी जो सीट है उस पे बीजेपी कॉम्प्रोमाइज करेगी? देखो, बीजेपी क्या मानेगी, शिवसेना क्या मानेगी, राष्ट्रवादी क्या मानेगी, ये मायने नहीं रखता। ये तीनों को एक साथ बैठ के अपना सोच से महायुति कैसी आगे बढ़ेगी ये सोचना चाहिए। बीजेपी मतलब क्या है, वो दाता नहीं है, शिवसेना कोई दाता नहीं है या राष्ट्रवादी कोई दाता नहीं है। तो ये तीनों पार्टी को महायुति में रहना है तो तीनों ने मिलके बात करना है, और कौन किसको क्या देगा। अगर राष्ट्रवादी बोली नहीं हम 12 सीट लड़ेंगे, शिवसेना बोली नहीं हम 22 लड़ेंगे, बोले हम 48 लड़ेंगे, ऐसा थोड़ी होगा। विवेक, एक बार तो फिर से हम आपका रुख करेंगे। बड़ी बातें तो ये भी है, बीजेपी के सामने सिर्फ और सिर्फ शिंदे गुट नहीं, इसके अलावा अजीत पवार गुट है। हालिया दिनों में अशोक चौहान ने ज्वाइन किया, उनके कुछ चेहरे हैं, एक और कांग्रेस पार्टी के कद्दावर चेहरे ने ज्वाइन किया था, वो भी उनके सामने है। तो सबको सीटें देनी है। मुंबई में आज महाराष्ट्र कांग्रेस की अहम बैठक भी होने जा रही है, इस लिहाज से बैठक में सीट बंटवारे पर चर्चा होगी, बैठक में उम्मीदवारों के नाम पर भी मंथन किया जाएगा। ये बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि अब समय बहुत करीब है,
दूसरे हफ्ते में, यानी मार्च महीने के दूसरे हफ्ते में ऐसा कहा जा रहा है कि संभवतः चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाना है और इसके लिए बीजेपी को अपनी दूसरी उम्मीदवारों की लिस्ट भी देनी है और उससे पहले उन तमाम राज्यों में मंथन के जरिए सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को तय कर लेना है कि अपने सहयोगी दलों को किसको कितनी सीटें देनी है और इसके लिए आज अमित शाह महाराष्ट्र में ही है।